लाइफ में सभी दर्शकों का मैं डॉक्टर ममता खांडेकर स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। लालू यादव के बेटे तेज प्रताप और पत्नी ऐश्वर्या के बीच अनबन। अयोध्या में राम मंदिर से कम बर्दाश्त नहीं करेंगे संत। इको फ्रेंडली दिवाली मनाने की ग्रीन विजिल की अपील। लालू यादव के बेटे तेज प्रताप और पत्नी ऐश्वर्या के बीच अनबन हो गई है। पटना सिविल कोर्ट में पत्नी ऐश्वर्या से तलाक की अर्जी दायर करने के बाद लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने कहा है कि वह अपनी पत्नी के साथ घुट घुट कर नहीं जीना चाहते हैं। उन्होंने कहा, ऐसी जिंदगी से कोई फायदा नहीं। तेज प्रताप ने बताया कि यह सच्चाई है कि उन्होंने तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी दायर की है। अब कोर्ट फैसला करेगा कि ऐसे घुट घुट कर जीना बेहतर है या फिर तलाक ले लेना। तेज प्रताप ने कहा, ऐश्वर्या के साथ रहना उनके लिए नामुमकिन है। तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या के तलाक की अर्जी पर अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी। तेज प्रताप की शादी के तुरंत बाद बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी बहू को लेकर बिहार के सुप्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर पहुंची थी। तब उन्होंने ऐश्वर्या को अपने घर की लक्ष्मी कहा था। जब से ऐश्वर्या ने उनके घर में कदम रखा, उनके घर में सब कुछ अच्छा हो रहा है। मात्र सिर्फ 5 महीनों में ऐसी स्थिति बदली कि हालत तलाक तक पहुंच गई है। पटना कोर्ट में दी गई याचिका में तेज प्रताप यादव ने कहा, उनकी पत्नी उनके साथ क्रूरता से पेश आती है। पटना के एक सत्र न्यायालय में उन्होंने हिंदू मैरिज एक्ट के धारा 13(a) के तहत तलाक की अर्जी दाखिल की है। इस धारा में पति या पत्नी कोई भी एक तरफा तलाक के लिए अपनी अर्जी दे सकते। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अयोध्या में राम मंदिर से कम बर्दाश्त नहीं करेंगे संत। दिल्ली में संतों की बैठक शुरू। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की मांग को लेकर साधु संत दिल्ली में 2 दिनों की बैठक शनिवार को शुरू हुई। इस धर्म सभा में संत राम मंदिर को लेकर कई अहम फैसला कर सकते हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर आरएसएस और साधु संत लगातार सरकार पर दबाव बनाने में जुटे हैं। ऐसे में योगी सरकार ने दिवाली में अयोध्या में सरयू के किनारे भगवान राम की 151 मीटर ऊंची तांबे की प्रतिमा बनाने जा रही है, लेकिन साधु संत राम मंदिर निर्माण से कम पर राजी नहीं है। राम मंदिर निर्माण के लिए देश भर से 3000 साधु संत दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में जमा हुए हैं। नई दिल्ली में 2 दिनों की बैठक संतों का धर्मादेश शनिवार को शुरू हुए। धर्मादेश में देश भर से आए साधु महात्मा राम मंदिर निर्माण पर चर्चा करेंगे। धर्मादेश के पहले दिन अलग अलग दंगों में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। साधु संत चर्च और मस्जिद द्वारा दिए जा रहे फतवा पर भी चर्चा करेंगे। अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई को लेकर भी साधु संत चर्चा करेंगे। धर्मादेश में साधु संत राम मंदिर निर्माण के लिए सरकार पर अध्यादेश लाने की मांग करेंगे। अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रनाथ सरस्वती ने कहा है कि संत समाज देश के अलग अलग मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इको फ्रेंडली दिवाली मनाने की ग्रीन विजिल ने की अपील। शहर की जानी मानी ग्रीन विजिल पर्यावरण संस्था ने इको फ्रेंडली दिवाली मनाने का अभियान चलाया है। इस अभियान के अंतर्गत शंकर नगर चौक एवं वैरायटी चौक पर संस्था के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न पोस्टर प्ले कार्ड्स के जरिए लोगों से अत्यधिक तादाद में पटाखे न जलाने का निवेदन किया है। संस्था के कार्यकर्ताओं ने आम जनताओं से पटाखों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण के बारे में चर्चा की। ग्रीन विजिल संस्था के संस्थापक कौस्तुभ चटर्जी ने इस दरमियान बताया कि पटाखों के फटने से भारी मात्रा से कैडमियम एवं लेड जैसी हैवी मेटल्स का उत्सर्जन होता है। इसी के साथ कॉपर, जिंक, सोडियम, पोटेशियम जैसे धातुओं का भी उत्सर्जन होता है। इससे वातावरण में सस्पेंडेड पर्टिकुलर मैटर और धुएं की मात्रा बढ़ जाती है, जिसमें नागरिकों को दमा, सिरदर्द, रक्तदाब में वृद्धि, स्किन एलर्जी, आंखों में जलन, सांस की समस्या आदि काफी मात्रा में बढ़ जाती है। इसीलिए हमें फटाकों को जलाने से परहेज करना चाहिए। MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।